तुम ऐसे मुंह फेर के नहीं जा सकती। हम जानते हैं कि तुम इशिता नहीं हो, तो इसलिए साफ साफ बता दो कि तुम कौन हो और इशिता कहाँ है, कहाँ रखा है उसे। मैं इशिता हूँ, इशिता रमन भल्ला, और कुछ? अच्छा, अगर तुम इशिता हो तो शाइना शाह कौन है? और साहिल सबसे ये क्यों कह रहा था कि तुम उसकी बीवी हो? ये उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, क्योंकि आज हम पूछेंगे, तुम जवाब दोगी। यू कांट एस्केप। और तुम टेंचर बॉक्स में डायमंड छुपा के स्मगलिंग करती हो ना? तुमने मुझे धमकी दी, बाला को धमकी दी, इशिता ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम इशिता हो ही नहीं सकती हो। क्या वियर्ड कहानियां बना रही हो, किसी को इसकी मनगढ़ंत कहानियों पे भरोसा भी है? कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही है वो। तो अभी साहिल शाह के साथ थी ना, हाँ, क्या खा कर रही हो उसके साथ? नॉनवेज बोलो। शौक लगा? शौकों मत, तुम्हें नॉनवेज खाते हुए अम्मा ने अपनी आंखों से देखा है और उसी सदमे की वजह से वो बेहोश हो गई है। कितना झूठ बोलोगी यार? देखो अपनी एक्टिंग बंद कर दो, बहुत हो चुका है। ये इतने दिन से मुझे नींद की गोलियां देके सुला रही थी ना तुम, और गन दिखाई थी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बोला तो सबको मार दोगी, और घर में कैमरास लगाए हुए थे। बोल दो ये सब कुछ भी झूठ है, बोल दो ना। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? I have no clue तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, I'm sorry। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम कर रही हो ना वो हमारी इच्छा कभी नहीं कर सकती। वो अपने परिवार के लिए जान दे देगी लेकिन उन्हें परेशान कभी नहीं करेगी, और तुम टॉर्चर कर रही हो हमें। बताओ कौन हो तुम, कहाँ है हमारी इशिता, जवाब दो। बस हो गया आपका ये ड्रामा, आप मेरी इशिमा नहीं हो सकते। पर मेरी इशिमा है कहाँ, आपको पता होगा, आप मुझे बताइए प्लीज, प्लीज बताइए ना इशिमा। बताओ कौन हो तुम, साहिल शाह ने भेजा ना तुम्हें यहाँ, बोलो। ए चुप। अरे एक शब्द बोलो ना तो शूट कर दूंगी मैं। क्या कर रही है? एक मिनट, गोली चलानी। एक मिनट, गोली चलानी। नहीं नहीं नहीं, चला गोली, मैं खड़ा हूँ, मारो। ये चैलेंज मत कर, दो मिनट की हीरो हीरो के कारण अपनी जान गंवा देगा। बाबे वो क्या करो जो तुम पूरे कर सकती हो। बंदूक दे, बंदूक दे, बता रही हूँ वरना मैं सच्ची खत्म कर दूंगी तुझे। तो हड्डियों का चूरमा मैं बनाती हूँ, ये समझती क्या अपने आपको? रुक जा। आंटी जी, रुक जाओ तो जी। तू मेरी इशिता हो ही नहीं सकती। जो मेरे रमन पर बंदूक टांग दे वो मेरी इशिता बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे तू तो जबरदस्ती घुसी है मेरे घर में, मेरी बहू बनकर। ये टेडी बियर, चुप। अगर तुम इशिता नहीं हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, आउट। मैं इशिता हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी, बिलीव मी। तुम लोग चुपचाप बैठो, नहीं तो सब। तो फिर या तुम्हारे सवाल को जवाब दो या दफा हो जाओ। अरे निकलो यहाँ से। अरे जो आज गन उठा सकती है वो कल कुछ भी कर सकती है, निकालो इसको। हाँ निकलो, चलो। इशिता तो नहीं हो लेकिन मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते तुम लोग। गलत, ये घर मेरा है। ए, अरे पापा। नहीं भाई, बिल्कुल सही कर रहे। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ, आउट। अम्मा। अम्मा मत बोलो मुझे। नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने बिल्कुल सही कहा संतोषी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। देखो मुझे घर से निकाल के आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। आप लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, why aren't you understanding? तुम्हारा घर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी बहू नहीं हो। शमशाद दरवाजा खोल, चाइना आ रही है। जा। मेरी इश्यू कहाँ होगी, किधर होगी? प्लीज आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मैं कैसे आराम करूँ? अमर
जब मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेटी किधर है, वो साहिल शाह ने उसका क्या हाल किया होगा रमन? अयो वो डेंजर में होगी। बस बस बस, इशिता को कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसी तो ये सारा ड्रामा किया उसे बाहर निकालने का। क्या क्या मतलब पापा? मतलब ये कि हमें लग रहा है ना कि इशिता नहीं कोई और है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इशिता ही है। लेकिन वो ये क्यों कर रही है वो आसानी से बताएगी नहीं, इसलिए मुझे इस ड्रामा करना ही पड़ा। What? पर पापा आपने ये सब कब किया? अभी जब इशिता अम्मा के घर आई थी और सारी बातों से मुकरने लगे तब मैं समझ गया था कि ये कुछ तो बहुत बड़ा कांड है। हमने आदि से कहा ना जाके नीचे मेरी गाड़ी में वेट करे, वैसे घर पे आके मैंने सारा ड्रामा किया क्योंकि साहिल ने हमारे घर में कैमराज लगाए हैं और वो मैंने ब्लॉक नहीं किया ताकि साहिल देखे, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ ली, इशिता एक्सपोज हो चुकी है और आए उसकी मदद के लिए और हमें पता चल जाए। पापा मैं आदि को फोन करके पूछूं? पूछो, एक सेकंड, उसी का फोन है। हाँ आदि बोलो। एक मिनट। हाँ पापा, शाइना अभी अभी साहिल शाह के साथ निकली है कार में, शमशाद भी उसके साथ था। ठीक है आदिप, उन्हें फॉलो कर, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सारी अपडेट दे हमें। ओके ओके ओके। मैं कुछ नहीं होगा, अब पता चल जाएगा हमें इशिता क्यों कर रही है सब। पापा आलिया, अम्मा, अम्मा कैसी हुआ? मुनी पुत्र, तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। जी आंटी जी, आलिया ने मुझे फोन पे सब कुछ बताया है। यकीन नहीं होता कि वो औरत इशू नहीं कोई और है, इंपोस्टर है, जिसकी शक्ल हूबहू इशू से मिलती है। अनबिलीवेबल। रमन, इशू का पता चला कुछ? अभी तक कुछ पता नहीं चला, अभी आदि गए उनके पीछे। अब लेट्स सी, एक सेकंड, उसी का कॉल है। हाँ आदि, हम अभी आते हैं, आदि का फोन है। साहिल और इशिता अभी अभी उसके बिल्डिंग में घुस जाए, हमें वहीं जाना होगा। चलो। लेकिन रमन, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? श्योर तो मैं किसी बात का नहीं हूँ मनी, लेकिन वी हैव टू टेक द चांस। रमन, मैं भी चलता हूँ हमारे साथ। पापा, मम्मी, आप लोग सब घर पे रहिए, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन भाई, आपका वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, वो इतना बड़ा डॉन है, उसके पास उसके लोग होंगे, उसके पास हथियार होंगे। दिस इज वेरी रिस्की। हथियार तो हमारे पास भी है, लेकिन हम लड़ने थोड़ी जा रहे, हम सिर्फ इश्ता को ढूंढने जा रहे। हाँ पुत्र, सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है, साहिल बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, ही कैन बी वेरी डेंजरस, आप उनको फाइट कैसे करने वाले हो? रमन, दे हैव अ पॉइंट, वो हम लोगों से बात क्यों करेगा? रमन सब सही कह रहे हैं, देखो आई थिंक हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए, अगर पुलिस इन्वॉल्व रहेगी तो साहिल हमें रोक नहीं पाएगा और इशू के बारे में सब बता भी देगा। ठीक है, ऑन द वे कॉल कर लेंगे। चलो। हाय रब्बा, मेरी इशिता ठीक हो? वैसे ही इशिता जी की हम शक्ल। हाँ यारा, इशिमा प्रॉब्लम में, साहिल शाह ने इशिमा को कैद करके रखा हुआ है और इस टाइम जो हमारे घर पर है वो इशिमा ने इशिमा की हमशक्ल है। पर भाई, इसमें हम तेरी क्या मदद करें? मैंने पापा को फोन करके बुला लिया और तुम दोनों को भी इसीलिए यहाँ पर बुलाया ताकि हम अंदर जाके इशिमा को बचा सके, अंदर साहिल शाह के लोग होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोग भी काफी सारे लोग हों और अंदर जाके इशिमा को बचा पाए। क्या बात कर रहा है तू? साहिल शाह के आदमी अंदर है और तू मतलब तू चाहता है कि अंदर मौत का कुआं है और हम उसमें कूद जाएं? अरे यार, तू कहां उनसे लड़ रहा है, वो गैंगस्टर्स है यार, बच्चे थोड़ी अंदर खालियां थोड़ी बैठे होंगे, बंदूके लिए होंगे, बंदूके, और असली असली नकली वाले नहीं, बच्चों वाले नहीं। हाँ यार, क्या बात कर रहा है यार। हाँ यार, विशाल सही बोल रहा है। तुझे याद है ना, पिछली बार जब हम आलिया जी और रूही मैम को बचाने गए थे तब भी हम मरते मरते बचे थे, और अब तो तू भाई उसके घर पे जाने की बात कर रहा है, वहां से हम जिंदा नहीं आ पाएंगे, समझा? भाई मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है यार, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता यार। यारा, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ यार, मुझ पे तो भरोसा रखो। पर यार, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, ये साहिल शाह ये बल्लास के पीछे ऐसे नहा धो के क्यों पड़ गया है? हाँ। इतनी भी कौन सी दुश्मनी यार? क्योंकि साहिल शाह को लगता है जिसने उसकी बहन को मारा है वो भल्ला परिवार में से कोई है। क्या कैसी बात कर रहा है यार ये तू? मतलब तुझे ये सब पता है उसके बाद भी तू उनसे लड़ना चाहता है? अरे यार, तू कुछ समझा यार इसको। भाई, ये तो वही बात हो गई यार कि मतलब आ बैल मुझे मार। भाई मतलब तू इन सब चीजों में खुद तो मरेगा ही मरेगा, हम दोनों को भी लेना चाह रहा है इसमें। देख यार मेरी बात सुन, सच्चाई तुझे भी पता है कि ये भल्ला परिवार तेरे कोई अपने अपने नहीं है, उसके बाद भी तू ये सब करना चाह रहा है? मेरी बात मान भाई, तू दूर रह इससे यार। यारा, मैं तो बचपन से ही अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ, बोझ था मैं,
मिस्टर भल्ला ने मुझे अपनाया, अपने बेटे का दर्जा दिया। उन्हें पता था मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, उनसे झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी उन्होंने अपने घर में रखा मुझे। यारा दादा दादी आलिया रूही सब लोग प्यार करते हैं मुझसे, भरोसा करते हैं मुझ पे, और वो ही मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। यारा तुम दोनों को कोई फोर्स नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैंने बस बुलाया क्योंकि मुझे लगा था तुम हेल्प करोगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जाओ घर पे। अबे यार कैसी बात कर रहा है तू, तुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं हम, हम भी तेरे साथ हैं, बाकी देखी जाएगी। क्यों विशाल? नहीं नहीं क्या विशाल, विशाल भाई भाई कोई विशाल नहीं आ रहा तेरे साथ, योग मैं इस काम में तेरे साथ नहीं हूँ। यार कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, मैं अपनी लाइफ और भल्लास के लिए रिस्क में क्यों डालूं यार, मैं किसी गैंगस्टर से पंगा नहीं ले रहा, और मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोग भी इससे दूर रहो। ठीक है तू घर जा, कोई बात नहीं, रणबीर है। मुझे पता है कि तुझे मेरी बात बुरी लग रही है, पर मेरी जान मुझे माफ कर दे यार, मैं इस चीज के लिए तेरे साथ नहीं आ सकता, मेरे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं यार, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरा भाई, मैं अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से इन सब की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता यार। आई अंडरस्टैंड यार, मुझे माफ कर दे यार मेरे भाई। जा, अरे जा जा, हम लोग हैं यहाँ, जैसे तू अपनी फैमिली के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, तो मैं अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ यार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।